गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर कहा कि दिल्ली दरबारी नहीं होने के चलते नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की उपेक्षा कमलनाथ गुट करने में लगा हुआ है, जो कि सदन में सबने देखा। मिश्रा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड से बचाव के पालन की अपील को सभी को मानना चाहिए। वहीं उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ विधानसभा की कार्रवाई को बकवास समझते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। उन्होंने कहा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की दिल्ली दरबारी नहीं होने के चलते उपेक्षा हो रही है। कमलनाथ गुट गोविंद सिंह की उपेक्षा करने में लगा हुआ है, जो कि सदन में सबने देखा। इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के खतरे को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक अलग विषय है, इसके लिए रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले वो भविष्यवाणियां बहुत करते थे, जो ये यात्रा कर रहे हैं ट्वीट करते थे, उनको तो दूर दूर तक का दिखाई दे रहा है। वह देख रहे होंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कहीं से। आपने पहले उनका वो बयान टीवी पे बहुत चला था कि मैं विधानसभा में क्या बीजेपी की बकवास सुनने जाऊं, अब तो उन्होंने सिद्ध कर दिया नहीं आके कि कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था वही बकवास था और इसलिए उस बकवास को सुनने नहीं आए होंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि आखिर गोविंद सिंह जी का कसूर क्या था। आपका पूरा गुट उनको विधानसभा के अंदर डिमोरलाइज करने में और फेल करने पे उतारू था। मैंने बोला भी, रिकॉर्ड में गोविंद सिंह जी का कसूर जो मेरे को समझ में आया वो इतना था कि वो दिल्ली दरबारी नहीं थे, ना ही वो सोनिया जी के तीसरे बेटे थे, ना ही वो पेज थ्री कल्चर के जीने वाले थे, एक किसान का बेटा था, गांव से राजनीति करता हुआ अपनी राजनीतिक तपस्या से 90 से लगातार अजय जीतता हुआ आ रहा था। आपके गुट ने तो ठाकुर के हाथी काट दी। ये अलग विषय है, रुकना चाहिए या नहीं, लेकिन पहले भविष्यवाणियां बहुत करते थे जो यात्रा कर रहे हैं, ट्वीट करते थे, उनको तो दूर तक दिखाई देता है, वो देख रहे होंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है कहीं से। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 0 नए केस आए हैं, वहीं वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केस 5 हैं, वहीं संक्रमण दर 0.0% और रिकवरी रेट 98.70% है। पिछले 24 घंटे में 65 सैंपल लिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने ग्वालियर की DRD लैब और भोपाल एम्स को अधिकृत किया है। और संदर्भ कोरोना का है तो मैं कहना चाहूंगा कि 2 लैब उसके लिए अधिकृत कर दिए नए वेरिएंट की दृष्टि से, एक DRD लैब ग्वालियर है और एक एम्स भोपाल है। जो जीनोम्स का सीक्वेंसिंग पता लगाने को संपूर्ण मध्य प्रदेश में CMHO को अलर्ट पर रखा है कि जो भी सैंपल लेते हैं और कोई पॉजिटिव आता है तो जो वेरिएंट है उसके बारे में पूरा फॉलोअप करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि कोविड अनुकूल व्यवहार सभी लोग करें, ये कंपलसरी नहीं है पर एडवाइजरी है कि मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें, डिस्टेंस का पालन करें, जो कोविड अनुकूल व्यवहार है वो हमें करना चाहिए, एडवाइजरी है, सलाह है आपको। मिश्रा ने मनोज मुंतशिर वायरल वीडियो को लेकर कहा कि मनोज मुंतशिर से मेरी भेंट हुई थी, मैंने उन्हें 1.5 घंटे तक धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग देखी थी और जिस तरह से उन्होंने हमारी संस्कृति को, सभ्यता को, हमारी राष्ट्रीयता को चिन्ह अंकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की, वास्तव में वह अद्भुत और अनुकरणीय थी। मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा, इतना भावुक और अच्छा उद्बोधन था। देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण में था। देश का सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज जैसे राष्ट्रभक्त, वह फिल्मी कलाकार हो, साहित्यकार हो, इतिहासकार हो, अगर उनका कोई विरोध करेगा, उनको देख लेने की धमकी देगा तो देखना तो दूर, देखने की सोचने वाले के लिए परिणाम ऐसे होंगे कि वह नजीर बन जाएगा। देखिए, मेरी भेंट हुई थी उनसे, मैंने उनका 1.5 घंटे का धारा प्रवाह उद्बोधन की क्लिपिंग भी देखी।
और जिस तरह से उनने हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी राष्ट्रीयता को चिन्हांकित करते हुए राष्ट्रवाद की चर्चा की, वास्तव में अद्भुत और अनुकरणीय थी। मैंने उसमें कई लोगों को रोते हुए देखा, इतना भावुक और अच्छा उनका उद्बोधन था। देश का यशोगान और सैनिकों का सम्मान उनके पूरे के पूरे भाषण में, और देश का यशोगान करने वाले, सैनिकों का सम्मान करने वाले मनोज मुंतशिर जैसे राष्ट्रभक्त, वो फिल्मी कलाकार हो, साहित्यकार हो, इतिहासकार हो, अगर उनका कोई विरोध करेगा, उनके देख लेने की धमकी देगा, तो उनको देखना तो दूर, देखने की सोचने वाले को भी परिणाम ऐसे होंगे कि नजीर बन जाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।